हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के वीडियो में धन राशि के प्रेडिक्शन के बारे में। 2013 धन राशि के लिए कैसा रहेगा देखेंगे इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में। 2013 में सबसे पहले बात करेंगे गुरु महाराज के बारे में। गुरु महाराज सबसे बड़े ग्रह हैं, जो गुरु महाराज मई 2013 तक वृषभ राशि में चलते हैं, जो कि धन राशि के लिए छठे स्थान में है, जो रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं। और मई 2013 के बाद गुरु महाराज चलेंगे चंद्र राशि से सप्तम भाव में मिथुन राशि में। अविवाहित जो जातक हैं उनको विवाह के योग बनेंगे, मित्रों से लाभ रहेगा। जन्म के गुरु के साथ ये जन्म के चंद्र के साथ ये जो गोचर में गुरु आएंगे मिथुन के गुरु, वो गज के श्री योग करेंगे, जिसके कारण क्या है कि मानसिक संतुलन प्रसन्नता बनी रहेगी और नए वेंचर में साहस में आपको लाभ मिलेगा। गोचर ट्रांजिशन में बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज पूरे साल आपके चलेंगे लाभ स्थान में। शनि और राहु का जो ट्रांजिशन है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गोचर ट्रांजिशन में तुला में चलने वाले शनि और राहु आपको बिजनेस में कैरियर में लाभ करवाएंगे, मित्रों से लाभ रहेगा। अब देखते हैं 2013 में कौन कौन से मंथ आपके लिए अशुभ है, अदरवाइज आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा इसके बारे में। मीन में चलने वाले सूर्य 15 मार्च से 15 अप्रैल, जिसको मीनारक कमूर्ता बोलते हैं, मीन राशि में चलने वाले सूर्य चंद्र से चौथे स्थान में चलेंगे। इस समय के दौरान आपको प्रॉपर्टी का कोई कार्य नहीं करना है और मदर एवं फादर से आपको और टेंशन क्रिएट ना हो जाए, उनके साथ वाद विवाद ना हो जाए, उसका केयर करना पड़ेगा। दूसरा समय है कर्क के सूर्य जो हैं 15 जुलाई से 15 अगस्त। इस समय के दौरान सूर्य जो हैं वो आपके अष्टम स्थान में चलेंगे। इस समय के दौरान आपको आंखों की विशेष केयर करनी है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में आपको केयर करना है। और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर जो वृश्चिक राशि में सूर्य चलेंगे वो चलेंगे आपके चंद्र राशि से 12वें स्थान में। इस समय के दरम्यान जो कोई कोर्ट मैटर या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आता है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका केयर करना है। आकस्मिक खर्च से बचना है। कुल मिला के जो ये साल है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मई 2013 तक पंचम स्थान में चलने वाले गुरु महाराज जो है वो जो कोई भी जातक धनराशि वाले हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उनको स्टडी में बहुत केयर करना जरूरी है अप टू मई 2013। और अब जो विवाहित दंपति हैं उसमें दोनों में से किसी एक की जो वृषभ राशि है धनराशि है, तो जो उनको गुरु पंचम स्थान में चल रहे हैं तो संतान कंसीव होने का भी योग चलता है मई 2013 तक। कुल मिला के आपके लिए साल बहुत शुभ है। देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।